Hi guys, I'm Kashika. Welcome to my channel and I'm back again with another hair care video. फ्रेम से पहचान गए होंगे, बाल खोल के बैठी हूँ तो हेयर केयर के बारे में बात करने वाली हूँ. और आज जो हेयर केयर इशू के बारे में बात करने वाले हैं ना, पहले मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर हाई फाई दे दो, बिकॉज मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, डैमेज्ड हेयर, वीक हेयर, स्प्लिट एंड्स. और अभी जो वेदर चल रहा है इस टाइम तो बहुत ज़्यादा हमारा ब्रेकेज भी बहुत ज़्यादा होता है. एंड स्प्लिट एंड्स तो एकदम पूछो ही मत. हम जब सैलून जाते हैं ना तो वो एक हेयर ड्रेसर एकदम घुस जाता है हमारे बालों के अंदर, फिर बोलते हैं आपके तो बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हैं तो आपने बाल चॉप चॉप कर लो, बिकॉज इसका अब कोई क्योर नहीं हो सकता है. ऑलवेज से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. पहले अपने बालों का इतना अच्छे से ध्यान रखो कि फालतू के स्प्लिट एंड्स बने ही ना और आपको अननेसेसरी चॉप चॉप ना कराना पड़े, बिकॉज हम सबको अच्छे लंबे बाल पसंद है. आई पर्सनली लाइक रियली नाइस लॉन्ग हेयर. मैं इस बार जब सैलून गई थी मैं स्पेसिफिकली बोला था लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, आगे जो भी हेयर स्टाइल बनाना है बनाते रहो. सो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि हम अपने बालों को नरिश प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं ताकि कोई भी तरह का डैमेज ना हो, स्प्लिट एंड्स ना हो. नॉट एनी फर्दर टू नहीं, पहले सब्सक्राइब करो और मैं भी एकदम आज सब्सक्राइब बटन लग रही हूँ, सो प्लीज़ मेरे लिए फटाफट सब्सक्राइब बटन हिट कर दो. एंड नॉट एनी फर्दर टू लेट्स गेट स्टार्टेड. टॉकिंग अबाउट द ब्रांड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक मैट्रिक्स को कोई भी तरह की इंट्रोडक्शन की जरूरत है. इट इज़ अ प्रोफेशनल हेयर केयर रेंज. बेसिकली आप कोई भी अच्छे सैलून में जाओगे ना, आपको मैट्रिक्स की रेंज वहाँ पर दिखेगी ही दिखेगी. मैंने खुद जब बहुत पहले अपने कॉलेज टाइम पर स्मूथनिंग करवाई थी, मैंने मैट्रिक्स ब्रांड की पूरी रेजिम फॉलो करी थी, बिकॉज मेरे सैलून गाय ने यही ब्रांड मुझे रिकमेंड करी थी. सो ये वाला जो रेजिम है बेसिकली ये है उनका नरिश प्रोटेक्ट हेयर केयर रेजिम. ये प्रोफेशनल रेंज है बाय द वे. इसके अंदर आपको मिलता है शैम्पू, देन वी हैव अ कंडीशनर, एंड देन वी हैव द थर्ड द मेन स्टार प्रोडक्ट जो मैं बताने वाली हूँ क्या है और कैसे यूज करना है. दिस इज समथिंग दैट कैन एक्चुअली सेव यू फ्रॉम फ्यूचर स्प्लिट एंड इश्यू. सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट. स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर वन, वी हैव द मैट्रिक्स ऑप्टीलॉन्ग शैम्पू. ये उनका नरिश प्रोटेक्ट प्रोफेशनल नरिशिंग शैम्पू विद सेरामाइड. अगर आपको नहीं पता सेरामाइड क्या होता है, ये बहुत अच्छा इंग्रीडियंट होता है हमारे बालों के लिए, उसको नरिश करता है और जो भी स्प्लिट एंड डैमेज होता है ना उसको पहले ही आपके बालों को उससे बचा लेता है ताकि फ्यूचर में आपको स्प्लिट एंड्स अननेसेसरी बने ही ना. हमारे बालों को नरिश भी रखता है, एट द सेम टाइम उसके रूट्स को स्ट्रेंथन अप भी करके रखता है. सबसे बेस्ट बात है इसका लैदर बहुत अच्छे से बनता है, सो अच्छे से जो भी डर्ट ग्रीस होती है हमारे स्कैल्प उसको क्लीन आउट कर देता है. और उसको रिमूव करते एक इंस्टेंट स्मूथनिंग इफेक्ट मुझे फील हुआ, विच इज़ रियली नाइस. मतलब काफ़ी बार बहुत ऐसे रेयर शैम्पूज होते हैं जो खाली अपने में बहुत अच्छा एक नाइस स्मूथनिंग इफेक्ट देते हैं. लिटरली जब आप इसको रिंस ऑफ करोगे ना आपको खुद फील होगा बाल आपके लिटरली ऐसे ग्लाइड होते हैं सॉफ्टली. सो आई रियली लाइक द होल इफेक्ट ऑफ इट. इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, इट्स नॉट ओवर पावरिंग, बहुत माइल्ड. इस पूरी हेयर केयर रेंज की जो खुशबू है वो काफी माइल्ड है. कमिंग टू स्टेप नंबर टू, वी हैव ऑप्टी लॉन्ग नरिश प्रोटेक्ट कंडीशनर. आई लव इट. यू गाइस नो मैं आजकल हेयर मास्क ज्यादा यूज करती हूँ, बहुत कम अब मुझे ऐसे कंडीशनर लगते हैं जो अच्छे से मेरे बालों को वो एक नरिशमेंट दे पाते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम. मतलब शैम्पू कंडीशनर मिलकर जो एक नरिशमेंट देते हैं ना बालों को, दैट इज ऑन अनदर लेवल. वो स्मूथनेस आपको इंस्टेंटली उसी टाइम फील होती है. ऑल्सो ये जो कंडीशनर है हमारे बालों को डिटैंगल करने में भी हेल्प करता है. इसको यूज करने के बाद वो टैंगल्स नहीं बनते. सो जब आप वेट हेयर में भी हल्का फुल्का कोम यूज करोगे ना तो आपके बाल फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, कोई भी तरह का टैंगल अप नहीं होगा. अगेन इनरिच्ड विद सेरामाइड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को स्ट्रेंथन अप रखता है. कंडीशनर वैसे भी रूट्स पर नहीं लगाया जाता, खाली इतने एरिया में लगाया जाता है. स्पेसिफिकली अपने एंड्स पर भी फोकस किया करो कंडीशनर को, या आपके स्प्लिट एंड से भी आपको कहीं ना कहीं बचाएगा ताकि फ्यूचर में आपको अननेसेसरी स्प्लिट एंड्स ना बने, कोई भी तरह का डैमेज आपके बालों पर ना हो. एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेप ऑफ माय हेयर केयर रेजिम, दिस इज बेसिकली द स्टार प्रोडक्ट ऑफ द होल रेंज. दिस इज समथिंग दैट कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम स्प्लिट एंड डैमेज. पहले से आपके बालों का इतना अच्छे से ध्यान रख लेगा ना कि स्प्लिट एंड्स फ्यूचर में बनेंगे ही नहीं बेसिकली. एंड दिस इज नॉट अ सीरम, इट इज अ लीव इन क्रीम बेसिकली. इसका नाम है ऑप्टीलॉन्ग नरिश प्रोटेक्ट प्रोफेशनल नरिशिंग लीव इन क्रीम एनरिच्ड विद सेरामाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक द पैकेजिंग. पंप आता है उसके साथ ही आपको ये लॉक वाला सिस्टम भी देते हैं, सो आप इसके साथ ईजिली ट्रैवल कर सकते हो. ये लॉक आता है सो उससे आपका पंप दबेगा ही नहीं बिल्कुल भी. एंड उसके बाद हमारा फर्दर लॉक होता है ये वाला, इससे आप ट्विस्ट करके इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो. अब इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले आपको इसको यूज करना है टॉवल ड्राइड हेयर पे. आपने शैम्पू यूज किया, कंडीशनर यूज किया, फिर आपने जो टॉवल या फिर जो भी आप माइक्रोफाइबर हेयर टॉवल यूज करते हो कि आपने वो रैप किया, थोड़ी देर बाद जब वो सारा एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा आपके बाल जो होते हैं हल्के से डैम्प होते हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं होते, बिल्कुल गीले नहीं होते, ऑलमोस्ट टॉवल ड्राइड हेयर जिसको बोला जाता है, आपको उस बालों के ऊपर बेसिकली अप्लाई करना है. अपने बालों को पार्टीशन कर लो, दोनों साइड्स को फ्रंट में लेके आ जाओ, जस्ट पोर अ लिटिल बिट ऑन योर हैंड्स, अच्छे से उसको मसाज कर लो हाथ के ऊपर ताकि प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. इसका टेक्स्चर काफ़ी अच्छा है, बहुत लाइट एंड लाइक रनी सॉर्ट ऑफ इसका टेक्स्चर है, सो अच्छे से आपके हाथों पर ये अच्छे से स्प्रेड हो जाता है. एंड देन जस्ट गो थ्रू योर हेयर रियली वेल. इसको अपने बालों के जो लाइक
लोअर एंड्स होते हैं ना वहीं पर ही अप्लाई करना है, ऊपर नहीं लगाना, स्कैल्प के पास नहीं लगाना, मिड लेंथ से लेकर जो आपका एंड होता है वहां तक आपको इसको अप्लाई करना है, बिकॉज ये बेसिकली आपके जो लोअर एंड वाला हेयर डैमेज होता है ना उससे आपके बालों को बचाता है, एंड स्पेसिफिकली हमें जो स्प्लिटेड वाले इशू होते हैं वो उसी एरिया में होते हैं, सो आप उसी एरिया में इसको अच्छे से कंसंट्रेट करोगे। तो आफ्टर अप्लाइंग इट रियली वेल यू कैन यूज अ कॉम टू जस्ट डिटैंगल योर हेयर। वैसे मैंने पर्सनली देखा है इस पूरी हेयर केयर रेजिम यूज करने के बाद मेरे बालों में अननेसेसरी टैंगल्स नहीं बने थे, मतलब वो फट नहीं रहे थे, टूट नहीं रहे थे, बहुत स्मूथली कॉम एकदम ग्लाइड हो रहा था मेरे बालों के ऊपर, विच इज अ रियली नाइस थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर हेयर केयर रेजिम। एंड दैट इज हाउ आई यूज द होल हेयर केयर रेजिम एंड द रिजल्ट इज एक्चुअली ब्यूटिफुल, लॉन्ग, हेल्दी, कहीं ना कहीं डैमेज भी नहीं थे मेरे बाल, जो स्प्लिटेंड थे वो भी ओवर टाइम कम होने लग जाएंगे। लोअर एंड्स पर आपको खुद फील होगा जो अननेसेसरी डैमेज था ना वो बहुत कम हो गया है। सो एज आई सेड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले अपने बालों का आप इतने अच्छे से केयर कर लोगे ना इस पर्टिकुलर हेयर केयर रेजिम से कि फ्यूचर में आपका अननेसेसरी वो डैमेज, ब्रेकेज होगा ही नहीं। ऑल्सो ये जो नरिश प्रोटेक्ट लीव इन क्रीम है इसको हटाना नहीं है, ये आपके बालों पर लगी रहेगी, कहीं ना कहीं आपके बालों को प्रिवेंट करेगी कोई भी फ्यूचर डैमेज से। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, विच इज प्राइस पॉइंट, बिकॉज काफी बार हमें ये डाउट होता है कि प्रोफेशनल हेयर केयर रेजिम में बहुत महंगी होगी, हमारे अफोर्डेबिलिटी के बाहर होगी, बट पर्सनली आई फेल्ट ये काफी अफोर्डेबल है। एंड लुक एट द क्वांटिटी, ये जो शैम्पू है ये आपको मिलता है 350 ml क्वांटिटी का फॉर 535 rupees, विच इज क्वाइट डिसेंटली प्राइस। फिर जो कंडीशनर आता है वो मिलता है 196 ग्राम का फॉर 470 rupees, एंड एट लास्ट जो लीव इन क्रीम आती है वो आपको मिलती है 95 ml क्वांटिटी में फॉर 445 rupees। लीव इन क्रीम आपको सबसे कम चाहिए होती है, सो वो काफी लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक चल जाएगी। सो पूरा हेयर केयर रेजिम आपको एक अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, प्लस दे हैव एक्सक्लूसिव ऑफर रनिंग एज वेल। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूंगी, आप एक बार चेक करना, इनके कॉम्बोज एंड ऑल पे काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, सो आप इसको इजीली उस डील पर भी ग्रैब कर सकते हो, सो आपके भी कहीं ना कहीं से पैसे बच जाएंगे। दैट इज इट फॉर माय रिव्यू ऑन द मैट्रिक्स ऑप्टीलॉन्ग रेंज। आई कैन पर्सनली रिकमेंड टू यू गाइस, अगर आपको डैमेज हेयर, स्प्लिट एंड्स, इन सारी चीजों के अगर इश्यूज है ना, तो पहले अपने बालों का अच्छे से ध्यान रख लो ताकि फ्यूचर में फिर आपको रोना ना पड़े और फिर बाल चॉप चॉप ना कराने पड़े। मेक श्योर फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, एंड मेरा गिव अवे भी चल रहा है 100K का, सो उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेना अगर आपका मन हो तो। वो सारी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।